राम राम किशन भाइयों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल इसके नॉलेज में। किशन भाइयों, आज हम बात करेंगे कि धान की जो फसल होती है वो हमारे धान की फसल में बालियां काली पड़ जाती हैं और जिससे हमारा काफ़ी नुकसान होता है। तो आज इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी किसान संबंधित जानकारी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सीधा हमारे किसान भाइयों तक पहुँचे। जैसा कि किसान भाइयों, अक्सर हमारे किसान भाई क्या करते हैं, काफ़ी मेहनत करने के बाद भी जब लास्ट में धान की फसल जब हमारी पकने पे होती है तो काफ़ी कम हमारे धान की फसल से उत्पादन ले पाते हैं। वो कारण एक, इसमें जो रोग लग जाते हैं जिससे हमारी बालियाँ जो हैं वो काली पड़ जाती हैं, उसमें दाना भराव नहीं भर पाता है। तो आज मैं आप लोगों को दो बातें बताऊंगा जिससे ये समस्या दूर हो सकती है। जैसा कि किशन भाई, मार्केट से नैनो या डियोन आपको ले आना है, और अगर धान की फसल में बालियां निकली ना हो तो उस समय वो स्प्रे मत करिए। धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था पर या बालियां निकल आई हों या बालियां निकल आई हों तब नैनो या डियोन की आपको एक से दो स्प्रे अपने खेत में करवा दें, जिससे ये जो बालियां हमारी निकलती हों निकल कर काली पड़ जाती हैं और दाना भराव नहीं हो पाता है, तो ये समस्या से दूर हो जाएंगे। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।